हेलो एवरीवन मैं गुंजन डीको की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई यू टिश्यू चैप्टर का लास्ट टॉपिक नर्वस टिश्यू ठीक है तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एम से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सो लेट डिस्कस द टॉपिक ठीक है तो पूरे एंटायर चैप्टर का लास्ट इशू हमारा नर्वस इशू विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू ठीक है इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू जो है हमारा वो नर्वस इशू ही है ठीक है क्योंकि इसी नर्वस इशू के वजह से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनती है ठीक है तो नर्वस इशू क्या होता है वो नर्वस इशू इज मेड अप ऑफ द न्यूरोन्स द नर्व सेल्स ठीक है तो जो नर्वस इश्यू होता है वो किससे मिलके बना होता है नर्व सेल से या फिर न्यूरो से मिलके बना होता है छोटी क्लासेस में हमने नर्व सेल का और नर्वस न्यूरोन का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं ना तो दिस इज द न्यूरोन और द नर्व सेल दिस में क्या दिख रहा है ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं कॉल्ड एज अ सेल बॉडी ठीक है इसको क्या बोलते हैं सेल बॉडी इसमें से जो छोटे छोटे थ्रेड्स निकल रहे हैं स्मॉल थ्रेड्स निकल रहे हैं इसको क्या बोला जाता है डेंड्राइट्स क्या बोला जाता है डेंड्राइट्स ठीक है बीच में वो कौन है सेल बॉडी सेल बॉडी से जो स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स निकल रहे हैं वो कौन है डेंड्राइट्स इससे जो लॉन्ग थ्रेड निकल रहा होता है ये जो लंबा सा थ्रेड निकल रहा होता है ये लॉन्ग थ्रेड इस लॉन्ग थ्रेड को क्या बोला जाता है एक्सॉन क्या बोला जाता है एक्सॉन ठीक है और उसके बाद में यहाँ पे कौन आ जाती है नर्व एंडिंग लास्ट में कौन आ जाती है नर्व एंडिंग ठीक है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका हमारा न्यूरोन का और नर्व सेल का ठीक है और साथ में दिख रहा वो जो सेल बॉडी है इसी सेल बॉडी के अंदर कौन होते हैं न्यूक्लियस ये जो बीच में ये कौन है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं नीजल ग्रेन्यूस ठीक है ना और ये जो एग्जोन है ये जो सबसे लॉन्गेस्ट थ्रेड है इसको क्या बोला जाता है एग्जोन इस एग्जोन की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है मायलन शीत क्या बोला जाता है मायलन शीत ठीक है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका न्यूरोन का और द नर्व सेल का तो बीच में सेल बॉडी आ गई इससे जो स्मॉल थ्रेड्स निकल रहे हैं वो कौन है डेंड्राइट्स है लॉन्ग थ्रेड कौन है एग्जोन है और लास्ट में कौन आ जाता है नर्व एंटिंग ठीक है इसी न्यूरॉन से इसी नर्व सेल से हमारा क्या बना होता है नर्वस टिश्यू बना होता है और नर्वस टिश्यू से हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनती है जो कि हमें पता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बिना हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है ठीक है तो हमने देखा उसके स्ट्रक्चर में क्या है सेल बॉडी है सेल बॉडी के अंदर कौन आ जाता है साइटोप्लाजम न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं न्यूक्लियस साइटोप्लाजम और बाकी नीजल ग्रेन्यूल सेल ऑर्गेनल्स ये सब आ जाएंगे इनसे जो स्मॉल थ्रेड्स निकल रहे होते हैं उनको क्या बोला जाता है डेंड्राइट और ये जो स्मॉल थ्रेड है ये क्या करते हैं इट हेल्प्स इन टेकिंग द स्टिमुलस फ्रॉम द आउटसाइड बाहर का कोई भी चेंजेस आता है तो उसको क्या बोलते हैं स्टिमुलस ठीक है stimulus. उस स्टिमुलस को कौन रिसीव रिसीव करता है सब रिसीव है सबसे पहले डेंड्राइट से करते हैं ठीक और एक और चीज हम क्या कह सकते हैं दो न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन दो न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन कौन करवाता है डेंड्राइट से कराते हैं ठीक है ठेके? इसके बाद कौन आ गया हमारा एक्सॉन विच इज अ लॉन्ग एक्सटेंशन अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी ठीक है तो जो लॉन्ग थ्रेड है उसको क्या बोला जाता है एग्जॉन इस एक्जोन की वजह से क्या होता है एग्जॉन की वजह से हम टारगेट ऑर्गन तक ये टारगेट ऑर्गन तक ये सिग्नल को प्रोवाइड सिग्नल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है जैसे डेंड्राइट्स के वजह से क्या होता है दो न्यूरॉन के बीच में ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का ठीक है और एग्जॉन की वजह से क्या होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है हम कह सकते हैं ठीक है इसके वजह से क्या होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है और लॉन्ग ट्रांसमिशन की वजह से जो सिग्नल है वो कहां तक पहुंच पाता है ऑर्गन तक पहुंच पाता है ठीक है तो हमें पता है ब्रेन जो है वो सभी को सिग्नल दे रहा है ब्रेन सभी को फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है करवा रहा है तो ब्रेन की वजह से बाकी सब ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोन ठीक है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन कौन करवाता है एग्जॉन करवाता है और शॉर्ट ट्रांसमिशन और स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है डेंड्राइट्स ठीक है अब देखो उसके आगे कौन आ गया अभी मैंने बताया वो नर्वस टिश्यू जो है वो किससे मिलके बना होता है न्यूरोन से मिलके बना होता है न्यूरॉन्स आर द बेसिक ऑफ द नर्वस टिश्यू ठीक है फिर न्यूरॉन्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे नर्वस टिश्यू बनाएंगे और नर्वस टिश्यू मिलके क्या बनाएगा नर्वस सिस्टम ठीक है नर्वस टिश्यू मिलके क्या बनाएगा नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन आ जाता है ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट कौन आ गया ब्रेन ठीक है ब्रेन के बाद कौन आ जाती है वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बाद कौन आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड ठीक है और स्पाइनल कॉर्ड से कौन निकल रही होती है नर्व्स ठीक है जो बॉडी के सबसे वाइटल ऑर्गन में से एक है ये तीनों स्ट्रक्चर्स के ठीक है थेके? तो नर्वस सिस्टम में कौन आ गया ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स और ये सब किससे मिलकर बनी होती है न्यूरोन से है ना तो ये हमारी ब्रेन हो गया ब्रेन से जो एक्सटेंट हो रहा है ब्रेन से जो एक्सटेंशन निकल रही है ये कौन है स्पाइनल कॉर्ड है ये कौन है स्पाइनल कॉर्ड और इससे जो स्मॉल स्मॉल निकल रही होती है थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर ये कौन हो गई हमारी नर्व्स हो गई ये और ऊपर वाला हमें पता है ये कौन है ये ब्रेन है ये और ये सभी किससे मिलकर बने होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स ठीक है अब देखो वो तो इनका काम क्या होता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू क्या काम करता है नर्वस टिश्यू की वजह से हमारी पूरी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है है ना सभी एक अगर हम डायजेस्ट सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्ट सिस्टम में कौन कौन आ जाता है हमें पता है स्टमक आ गया

ठीक है और फिर डियर क्या कर रहा है वो एकदम से भाग पा रहा है वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है ठीक है टाइगर को देखते ही डियर अगर भाग पा रहा है रिस्पॉन्ड कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स नर्वस सिस्टम ठीक है इसकी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है इसकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स ब्रेन वगैरह है उसकी वजह से ये रिस्पॉन्ड कर पा रहा है भाग पा रहा है ऐसी अगर हमने भी क्या करा अगर गलती से अगर हमने टच कर दिया किसी हॉट कप ऑफ टी को हॉट कप ऑफ टी को अगर हम रेंडम टच कर देते तो एकदम से हम क्या करते हैं अपने हाथ को क्या करते हैं हटा लेते हैं एकदम से अपने हैंड को रिमूव कर देते हैं ठीक है विद इन अ सेकेंड ये हमारा एक्शन हो जाता है तो जो भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल चेंजेस वो रिस्पॉन्ड वजह से हो रहा है नर्वस सिस्टम के वजह से हो रहा है ठीक है नर्वस सिस्टम हमारा किससे मिलकर बना होता है न्यूरोन से ठीक है अब देखो ये जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं अभी कैसे हम कैसे रिस्पोंड कर पाते हैं ऐसा क्या होता है न्यूरॉन के अंदर जिसके वजह से वी आर एबल टू तो रिस्पॉन्ड टू तो वर्ड एक्सटर्नल एनवायरमेंट है ना तो हमारी जो नर्व फाइबर्स होती है जो न्यूरॉन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो सिग्नल को क्या बोलते हैं नर्व इम्पल्स ठीक है ये जो न्यूरॉन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है सिग्नल प्रोड्यूस करता है उस सिग्नल को क्या बोलते हैं नर्व इम्पल्स और इसी नर्व इम्पल्स की वजह से क्या होता है हम रिस्पोंड कर पाते हैं इसी नर्व इम्पल्स की वजह से वी आर एबल टू रेस्पॉन्ड ठीक है अब ये जो नर्व इम्पल्स है इसकी वजह से हमारी जो मसल्स है वो मूव करती है हमारी मसल्स हमने देखा था वो क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है रिलैक्स होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट होती है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होना मसल्स को ये रिलैक्स होना ये सिग्नल किसने दिया है न्यूरॉन्स ने दिया है ठीक तो, है तो न्यूरो जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं उस सिग्नल की वजह से क्या होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और हम मूव कर पाते हैं ठीक है अब देखो हम रन कर रहे हैं एज वी आर सींग टाइगर टाइगर को देख के हमने भागा वो भी किसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम है ना तो एक्सटर्नलमेंट में जो भी चेंजेस आता है उसके टूवर्ड हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम अब देखो बहुत सारी जो हमारी नर्व फाइबर्स होती है बहुत सारे जो न्यूरोस होते हैं सारे नर्व फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं नर्व बनाते हैं मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टू फॉर्म द नर्व ठीक है और ये नर्व सारी के सारी किससे अराइज होती है नर्व इज अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड नर्व किससे से अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है और स्पाइनल कॉर्ड किससे अराइज हो रही है हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड इज अराइज फ्रॉम द ब्रेन ठीक है स्पाइनल कॉर्ड किससे अराइज हो रही है ब्रेन से अराइज हो रही है ठीक है और ये जो सारी वो नर्व फाइबर्स है उसको जोड़ने का काम कनेक्ट करने का काम कौन करेगा हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू करेगा ठीक है तो कनेक्टिव टिश्यू की वजह से क्या होता है सारे न्यूरॉन्स सारी नर्व फाइबर्स बाउंड होती है टू फॉर्म द नर्व टू फॉर्म द नर्व और इसी नर्व के अंदर कौन मूव कर रहा होता है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा होता है से बाकी सभी ऑर्गन्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है सिग्नल मिलता है जिसके वजह से वो रिस्पॉन्ड करता है ठीक है जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले जैसे ब्रेन ने क्या करा ब्रेन हमें पता है कि किससे मिलकर बना है न्यूरोन से मिलकर बना है नर्व सेल्स से मिलकर बना है तो ब्रेन ने क्या प्रोड्यूस करा अपने नर्व, नर्व सेल्स के अंदर नर्व सेल्स के वजह से उसने प्रोड्यूस करा नर्व इंपल्स नर्व इंपल्स को प्रोड्यूस करा और नर्व इंपल्स फिर जो है वो ट्रांसफर होगा कैसे नर्व इम्पल्स जो है वो फिर वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम ब्रेन टू द फ्रॉम ब्रेन टू द ऑर्गन ठीक है तो ऑर्गन तक ट्रांसफर होगा तो ब्रेन से ऑर्गन तक लाने में उस ब्रेन तक ऑर्गन में ला, ब्रेन से ऑर्गन तक लाने में किसने हेल्प करी है नर्व ने हेल्प करी है किसने हेल्प करी है नर्व ने ठीक है जिसके वजह से ऑर्गन जो है वो क्या कर पाते हैं रिस्पोंड कर पाते हैं ठीक है ठेके? दिस इज द फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू अब देखो वो हमने अब क्या करा यानी कि आपका ये जो चैप्टर है कौन सा टिश्यू कंप्लीट हो गया? ठीक है हमने सारे टिश्यू डिस्कस कर लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द एपिथीलियल टिश्यू एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहला आपका कौन सा था एपिथीलियल टिश्यू था उसके बाद था कनेक्टेड टिश्यू देन आपका आ गया था मस्कुलर टिश्यू और अभी हमने डिस्कस करा नर्वस टिश्यू के बारे में ठीक है और प्लांट टिश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो नाउ इज योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड फुल्ली ठीक है तो अब हम कुछ एनसीआर के एग्जाम्पल्स के एमसी डिस्कस करते हैं ठीक है अगर हमने चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है तो हम एक एक एमसी का आंसर बहुत आराम से दे देंगे क्योंकि हमने पूरा चैप्टर को समझ लिया है ठीक है अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज अ डेड सेल कौन से टिश्यू के अंदर डेड सेल्स होती है पैरन कायमा कॉलन कायमा स्कलेरन कायमा या फिर एपिथ टिश्यू ठीक है तो अगर हम याद करें तो फेरन कायमा कैसी थी वो ओवल सेल थी और इसके अंदर मुझे याद है कि इसके अंदर क्या था 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 साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ओवल सेल थी और था. तो ये आपकी लिविंग सेल है ये आपकी कैसी सेल है? लिविंग सेल है है लिविंग ठीक है ऐसी कॉलन कायमा में भी अगर हम बात करें तो ये सेल कैसी थी हेक्सागोनल थी कॉलन कायमा भी कैसी थी हेक्सागोनल सेल थी और इसके अंदर भी लार्ज वैक्यूल था न्यूक्लियस वगैरह सब था तो ये भी आपकी लिविंग सेल है ठीक है एपिथ्रिलियल टिश्यू जो हमारी वो आउटर कवरिंग करता है और ये भी क्या है लिविंग टिश्यू है बस एक स्क्लेरन कायमा जो कैसा है डेड टिश्यू है ये ये ठीक है जो जो अंदर से क्या था था टिश्यू था था वो क्या फ्रॉम ये टिश्यू अंदर से क्या था खाली था एम था तो स्क्लेरन कायमा इज एग्जाम्पल ऑफ द डेड टिश्यू और द डेड सेल ठीक है अब देखो वो इसके बाद क्या बोला है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है तो

ठीक है आगे क्या है वो कॉलन टिश्यू आर कामेटिसगुलर थिकेंड एट वॉल कि जो कॉलन कामेट कॉलन टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं थिकेंड होते हैं एट कॉर्नर ये भी बिल्कुल ठीक है ये तो उसका मेन पॉइंट है कॉलन कायमा का कि कॉलन कायमा सेल्स कैसी होती है वो हेक्सागोनल होती है हेक्सागोनल होती है और कॉर्नर से क्या होती है थिक होती है ये हमने देखा था बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ अ सेलूलोस और हेमी सेल्यूलोस तो ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है ठीक है फिर इसके आगे क्या है वो एपिकल एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टम आर द परमानेंट टिश्यू ये हमें साफ दिख रहा है कि एपिकल और इंटर कैलोरी परमानेंट टिश्यू है नहीं दे आर नॉट परमानेंट टिश्यू दे आर द मैरिस्टमैटिक टिश्यू ये तो मैरिस्टमैटिक टिश्यू है इन्हीं टिश्यू के वजह से तो क्या होता है प्लांट की ग्रोथ होती है है ना तो गलत कौन सा हो गया ये ऑप्शन गलत हो गया एपिकल एंड इंटर कैलोरी आर नॉट अ परमानेंट टिश्यू दे आर द मैरिस्टमैटिक टिश्यू उनके अंदर वैक्यूल नहीं होता है ठीक है अगर हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़े तो हम एक एक एमसीक्यू का आंसर बहुत आराम से दे देंगे ठीक है अब देखो आगे क्या है वो गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू द स्टेम की गर्थ इंक्रीज होती है किसके वजह से तो मुझे याद है अगर स्टेम की गर्थ अगर इंक्रीज होगी तो कौन सा टिश्यू करेगा मेरिस्टमेटिक टिश्यू करेगा मैरिस्टमैटिक टिश्यू की वजह से क्या होता है प्लांट की ग्रोथ होती है लेंथ वाइज भी और गर्थ वाइज भी तो गर्थ कौन इंक्रीज करता है एपिकल नहीं एपिकल की वजह से तो भाई लेंथ इंक्रीज होती है वर्टिकल मेरिस्टम तो मेरिस्टम का हमें नाम पता होना चाहिए लेटरल मेरिस्टम या इंटर कैलोरी मैरिस्टम इंटर कैलोरी मेरिस्टम की वजह से तो इंटर नोड की लेंथ इंक्रीज होती है के वजह से तो इंटर नोड की लेंथ इंक्रीज होती है तो गर्थ कौन इंक्रीज करवाता है लेटरल ठीक है तो रेट्रोमेस्टम या फिर हम इसको क्या बोलते हैं कैम्बियम इसके वजह से प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है प्लांट क्या होता है थिक होता है ठीक है ये सब हम नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं अब देखो बाद कौन आ गया विच सेल सेल वॉल कौन से सेल के अंदर परफोरेटेड वॉल नहीं होती है ट्रैकिट सीप ट्यूब्स कंपेनियन सेल या फिर वेसल्स परफोरेटेड वॉल मतलब क्या होता है जिस वॉल पे क्या है छोटे छोटे से पोर है है ना तो प्रेकिट्स में भी पोर देखे थे हमने सी ट्यूब्स में भी प्लेट होती है सी प्लेट्स होती है जिसके बीच में सी पोर होते हैं वेसल्स में भी होते हैं तो किस में नहीं होती है कंपेनियन सेल्स के अंदर पोर नहीं होते हैं कंपेनियन सेल के अंदर परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती है ठीक है अब देखो वो आगे क्या है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल विच टाइप ऑफ एपिथिलियल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ठीक है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है दैट वी आर डिस्कस कॉलमनार टिश्यू है ठीक है तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा टिश्यू है कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है ठीक है अब देखो उसके बाद क्या आ गया अ पर्सन मैट विद द एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड ठीक है एक पर्सन का वो क्या हुआ है एक्सीडेंट हुआ है जिससे क्या हुआ है उसकी दो बोन्स जो है दो लॉन्ग बोन्स जो है हैंड की वो क्या हो गई डिसलोकेट हो गई है अपनी जगह से हिल गई है यानी कि ठीक है तो इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है क्या रीजन है इसके पीछे क्या हो गया है ना तो दो बोन्स है हैंड की और दो बोन्स जो है हैंड की वो क्या हो गई डिसलोकेट हो गई है यानी कि अपनी जगह से थोड़ी सी हिल गई है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है कुछ सोचो हमें पता है दो हड्डियां किससे मिलती है दो बोन्स जुड़ती है बाय द लिगामेंट दो बोन्स कनेक्ट होती है बाय द लिगामेंट तो लिगामेंट ब्रेक हो गए बीच में से कनेक्शन टूट गया जिसके वजह से क्या हो गया दो बोन्स डिसलोकेट हो गई है ठीक तो है तो कारण क्या है लिगामेंट ब्रेक क्लियर ना फ्रेंड्स यहाँ तक ठीक है अब देखो आगे क्या है वाइल डूइंग द वर्क एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन लाइक हैंड लेग्स एटसेट्रा विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ठीक है जब रनिंग करते हैं तो क्या होता है हमारे ऑर्गन्स लाइक हैंड्स और लेग्स क्या करते हैं मूव करते हैं ठीक है तो उसमें से वो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो हैंड्स और लेग्स मूव कर रहे हैं आपको सोचो किसके वजह से मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मसल्स है ना मसल्स की वजह से हो रहा है ये तो स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है नहीं हमारे हाथों में कौन सी मसल हमने डिस्कस करा था है ना हमारे हाथों में और पैरों में कौन सी मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स होती है ठीक है तो स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट ऑफ ट टू मूव द बोन्स वो लिगामेंट को कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर टेंडन को अब हमें इतना तो पता है कि हम मूव कर रहे हैं हमारे जो हैंड और लेग्स मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल बट स्केलेटल मसल किसको पुल कर रहा है किसको खींच रहा है लिगामेंट को या फिर टेंडन को तो आंसर हो टेंडन को ठीक है क्योंकि हमें पता है हमारी मसल हमारी मसल और बोन के बीच में कनेक्शन किसका होता है टेंडन का होता है है ना ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी मसल्स और बोन के बीच में किसका कनेक्शन होता है टेंडन का तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है पुल करती है टेंडन को टूवर्ड द बोन्स ठीक है सो दैट वी कैन एबल टू मूव है ना हम मूव कर रहे हो जिसके वजह से हमारे हैंड और लेग भी क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं ठीक है ठीके? वो उसके बाद के आगे बिच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री कौन सी मसल है जो इनवॉलेंट्री काम करती है इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल जिसको हम नहीं रोक सकते उसकी मूवमेंट को तो ऐसी मसल को क्या बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल इन चारों में से कौन सी इनवॉलेंट्री मसल है स्ट्रेटेड मसल्स तो कंट्रोलेबल है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और स्ट्रेटेड मसल को ही क्या बोला जाता है स्केलेटल मसल बोला जाता है ना हमें पता है इसी को क्या बोलते हैं स्केलेटल मसल बोलते हैं ये तो कंट्रोलेबल है स्मूथ मसल्स कंट्रोलेबल है नहीं ठीक है ये हमारी इनवॉलेंट्री है कार्डियक मसल यानी कि हार्ट की मसल ये भी इनवॉलेंट्री ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है और स्केलेटल मसल्स तो स्टेटेड मसल ही है तो ऑप्शन क्या जाएगा वो सेकेंड और थर्ड जाएगा तो ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड दीज टू मसल्स आर इन्वॉलेंट्री ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ठीक है अब देखो वो आगे क्या आ गया मैरिस्टमैटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर

ठीक है कैम्बियम साइड में मिलेंगे तो ये लोकलाइज्ड है इनकी लोकेशन फिक्स्ड है और साथ में डिवाइडिंग सेल्स है है ना तो प्लांट के जो टिश्यू कैसे लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग ठीक है अब देखो वो इसमें से क्या बोला जा रहा है वही कि हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अब देखो ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग द प्रोटीन सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स ये ऑप्शन ठीक है कि ब्लड के अंदर प्रोटीन्स ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसमें प्रोटीन शॉर्ट्स और हॉर्मोन्स होते हैं दैट्स ट्रू आगे टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय द लिगामेंट्स ये भी ठीक है टेंडन आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल टेंडन जो है वो नॉन फाइब्रस टिश्यू है और फ्रेजाइल है नॉन फाइब्रस है यानी कि इसमें क्या है फाइबर नहीं है ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें फाइबर नहीं है और दूसरा ये फ्रेजाइल है यानी कि वीक है इज इट ट्रू नहीं वही टेंडन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हमें पता है ये किसका पार्ट था ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट था जिसमें फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होता है इवन ठीक है और ये फ्रोजाइल नहीं है इट इज़ वेरी रिजिड तो ये ऑप्शन क्या जा रहा है वो इनकरेक्ट जा रहा है तो टेंडन इज इज अ नॉन फाइबरस एंड फ्रोजाइल तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ठीक है आगे क्या कार्टिलेज इज फाउंड इन द कार्टिलेज किससे मिलता है नोज में ईयर में इज नॉट फाउंड इन कार्टिलेज किस में नहीं मिलता है नोज में ईयर में किडनी में लैरिंग्स में तो आंसर है किडनी में नहीं मिलता है ये है ना हमें किडनी ठीक है वो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पूरे चैप्टर का ओवर भी पता लग जाएगा इन क्वेश्चन से कि हमने चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है अगर हम आंसर इमीजिएटली दे पा रहे तो इट मीन हमें चैप्टर याद हो गया हमें अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया है ठीक है अब देखो फैट जो है वो स्टोर होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी एज अ फैट जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं कैसे कि बॉर्डल एपिथिलियम के अंदर बोन्स में एडिपोस्ट टिश्यू में तो आंसर है एडिपोस्ट टिश्यू में ठीक है चौथा ऑप्शन लिखा नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन मान लो आपको क्या दे रखा है एरियोलर टिश्यू दे रखा है ठीक है तब भी ऑप्शन क्या जाएगा एडिपोस्ट टिश्यू जाएगा तो फैट किस में स्टोर होता है इन द एडिपोज टिश्यू क्लियर ये अब देखो बोन मैट्रिक्स इज रिच इन ये हमने देखा था ये नोट्स में है ना स्टार्टिंग में मैंने लिखाया हुआ था कि वो बोन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस तो बोन मैट्रिक्स किससे फुल ऑफ होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से ठीक है कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन किससे मिलती है कॉन्ट्रेक्टल प्रोटीन हमें मिलेगी मसल्स के अंदर है ना हमें पता है कॉन्ट्रेक्टल प्रोटीन किस में होती है मसल्स के अंदर और इसी कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन के वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम क्या कर पाते हैं मूव कर पाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ठीक है वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन वॉलेंट्री मसल्स किस में होती है वो वॉलेंट्री हमें पता है वो कौन सी होती है जो अंडर कंट्रोल है ठीक है जो हमारे कंट्रोल में है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो वॉल्ट्री मसल है और कहाँ होती है ये लिम्स के अंदर ठीक है कहाँ होती है लिम्स के अंदर हमारे हाथ पैरों के अंदर कौन सी मसल है स्केलेटल मसल्स है विच आर द वॉल्ट्री नेचर वो हमारे कंट्रोल में है आगे नर्वस इशू इज़ नॉट फाउंड इन नर्वस इशू किस में नहीं मिलता है अभी देखा हमने ब्रेन में मिलता है हाँ ब्रेन में मिलेगा नर्व्स में भी मिलता है स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलता है टेंडन में मिलता है नहीं ठीक है इट डज नॉट फाउंड इन द टेंडन टेंडन के अंदर ये फाउंड नहीं होता है ठीक है और ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स ब्रोंकाय ऑफ द लंग्स ठीक है तो ये नर्वस इशू जो आपका वो ब्रोंकाय ऑफ लंग्स के अंदर नहीं मिलता बिकॉज ये डेड पार्ट होता है ये ठीक है डेड पार्ट होता है इससे सिर्फ क्या होता है वो गैसेस का एक्सचेंज ठीक है ठीक है, अच्छा है लंग्स के नहीं। अब देखो कुछ क्वेश्चन और रह गए नर्व सेल डज नॉट कंटेन नर्व सेल के अंदर वो क्या नहीं होता है एक्जोन होता है हाँ होता है लॉन्ग थ्रेड को हम एक्सोन बोलते हैं डेंड्राइट्स होता है ये भी होता है छोटे छोटे धागों को हम डेंड्राइट्स बोल रहे थे नर्व के एंड में कौन आ रहा था नर्व एंडिंग क्या नहीं होता है नर्व सेल के अंदर टेंडन नहीं होते हैं ये तो मसल्स है ठीक है क्लियर नहीं आता कि ये ठीक है so tissue, तो यहाँ तक वो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर ऑफ टिश्यू ठीक है तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यू चैप्टर के साथ आएंगे ठीक है थैंक यू